वेलकम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय गाइस, दिस इज द चैप्टर 12 ऑफ अष्टांग हृदय सूत्रस्थान दोषभेदीय अध्याय। ओके, तो जैसा कि इस चैप्टर का टॉपिक है दोषभेदीय अध्याय, तो इस चैप्टर में हम दोष के भेद के बारे में पढ़ेंगे। दोष के भेद मतलब टाइप ऑफ दोषास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लेस ऑफ त्रिदोषास और दोष स्थान। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अब इनके प्लेस क्या होते हैं, कहाँ पर रिसाइड करते हैं ये बॉडी में, वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला है प्लेस ऑफ वात दोष। तो हमारी बॉडी में वात दोष का क्या स्थान है, कहाँ पर वात दोष प्लेस्ड होता है, उसकी लोकेशन क्या है, वो देखेंगे हम पहले श्लोक में। तो श्लोका है हमारा, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोतास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। ओके, तो इसमें लोकेशंस बताई गई है। तो सबसे पहली लोकेशन है वात की, पक्वाशय। तो पक्वाशय को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे मेजर साइट होती है वात दोष की। ओके, उसके बाद है कटी। तो कटी का मीनिंग होता है वेस्ट। तो वेस्ट रीजन मतलब जो आपके कमर का जो पोर्शन होता है, ओके, उसे कहा गया है वेस्ट और कटी। ओके, तो ये आपका सेकंड साइट हो गई वाता की। देन शक्ति, तो शक्ति जो है वो हिप रीजन को बोला गया है। तो जो आपका हिप रीजन है, बटक रीजन है, वो आपका थर्ड साइट है वात की। देन श्रोत्र, तो श्रोत्र मीन्स होता है ईयर्स और आपके कान। ओके, तो ईयर्स जो है ये आपकी फोर्थ साइट हो गई वाता की। देन अस्थि, तो अस्थि जैसा कि हमने आश्रय आश्रय भावों में भी देखा है कि वाता कहाँ रिसाइड करता है, तो वो अस्थि के अंदर रिसाइड करता है। ओके, तो अस्थि भी एक लोकेशन है वात की। और उसके बाद है स्पर्शनेन्द्रियम। तो स्पर्शनेन्द्रियम मतलब ये आपकी स्किन की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आपका एक सेंस ऑर्गन है जिससे आपको स्पर्श का सेंस प्राप्त होता है। ओके, तो स्पर्शेंद्रियम जो है आपकी ये लास्ट साइट है आपकी वात की। ओके, तो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम, ये आपकी साइट हो गई वात दोष की। उसके बाद है स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो स्थानम मतलब ये सारे जो है आपके स्थान है वातस्य मतलब वात दोष के। ओके, देन तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः, तो इन सब में से, तो तत्रापि का मतलब है आउट ऑफ देम और आउट ऑफ दीज, पक्वाधानम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन विशेषतः इज द मेन साइट। ओके, तो पक्वाधान जो है आपका मतलब जो पक्वाशय है ये सबसे मेन साइट होती है, इन सभी में से पक्वाशय आपकी मेन साइट है वात दोष की। तो ये पूरा मीनिंग हुआ आपका वात स्थान के श्लोक का। ओके, तो ये अभी अभी हमने देखे वात दोष के स्थान। नाउ वी विल सी प्लेस ऑफ पित्त दोष। ओके, तो पित्त दोष के क्या क्या प्लेस होते हैं बॉडी में, वो हम देखेंगे इस श्लोक के थ्रू। श्लोक है हमारा, नाभि रामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। ओके, तो ये श्लोका है हमारा। इसमें सारी साइट्स दी गई है कि कहाँ कहाँ पर पित्ता दोष रहता है। तो सबसे पहला है नाभि। तो नाभि को कहा गया है अम्लिकस। ओके, तो अम्लिकस ये आपकी पहली साइट है। देन आमाशय, तो नाभि रामाशय ये दो वर्ड है, नाभि और आमाशय। तो आमाशय जैसा कि हम जानते हैं कि आमाशय बोला जाता है स्टोमक को। ओके, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो
जो नाभि है आपका उसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, अम्बिलिकस भी कह सकते हैं, और आमाशय इसका मतलब स्टोमक। तो ये सारे प्लेस है आपके पित्त दोष के। ओके, क्योंकि पित्त का काम क्या है, फूड का ट्रांसफॉर्मेशन करना, पंचभौतिक फूड को ये आपकी बॉडी में आहार रस में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कहाँ पे होता है, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑब्वियस सी बात है, पित्त दोष कहाँ होगा आपका, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में और अम्बिलिकल रीजन में। ओके, तो इसीलिए नाभि आमाशय। देन स्वेदो। ओके, तो स्वेद मीन्स होता है स्वेट। ओके, तो स्वेट मतलब आपका पसीना, परस्पायरेशन होता है, तो जो पसीना निकलता है तो वहाँ भी आपका पित्त दोष रिसाइड करता है। ये हमने आश्रय आश्रय भावों में भी देखा था कि रक्त और स्वेद जो है वो पित्ता के स्थान होते हैं। देन लसिका। तो लसिका को बोला गया है लिम्फ, जो कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर जो लिम्फ फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है ऑल ओवर द पूरी बॉडी में, उसे कहा गया है, वो भी एक पित्त की साइट है। देन रुधिर। तो रुधिर मतलब ब्लड। ओके, तो ब्लड जो है वो भी आपके पित्त की साइट है। हम जानते हैं कि जो बिलिरुबिन बनता है हीमोग्लोबिन के टूटने के बाद, जब हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी जो है आपकी जब डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, तो उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है अलग हो जाता है, तो जो हीम पार्ट है आपका वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो बिलिरुबिन जो है आपका वो ब्लड में ही रहता है। ओके, तो इसलिए कहा गया है कि ब्लड जो है वो भी आपके पित्त की साइट है। ओके, क्योंकि बिलिरुबिन ही आगे चल के बाइल में कन्वर्ट होता है और बाइल के फॉर्म में आपके इस लीवर से गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होता है और यहाँ पे यह आपका यूरिन और फिसेस को येलो कलर देता है। ओके, तो इसलिए ब्लड को भी साइट कहा गया है पित्त की। ओके, देन रस। तो रस मीन्स प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा भी साइट होती है आपके पित्त की। देन ड्रक। तो ड्रक का मतलब है यहाँ पे दृष्टि, दृष्टि से लिया गया है ये वर्ड ड्रक, इसका मतलब है आइस। तो आइस में भी आपका पित्त होता है। ओके, आलोचक पित्ता जो होता है वो आइस में ही होता है। तो ड्रक बोला, ड्रक को भी एक साइड बोला गया है। देन स्पर्शन। तो स्पर्शनम। ओके, तो स्किन, तो स्किन भी आपकी साइड होती है पित्त दोष की, जैसे कि जो भ्राजक पित्ता है जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कॉम्प्लेक्सेशन प्रोवाइड करता है स्किन को, आगे देखेंगे अभी हम ये सारी चीज़ों को, तो इसलिए पित्त को, स्किन को भी पित्त की एक साइट बोला गया है। देन द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। ओके, तो ये सारी आपके पित्त की साइट है, लेकिन जो नाभि है, ओके, इट मींस अम्बिलिकस और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे मेन साइट है नाभिरत्र विशेषतः। जो सबसे मेन साइट है वो नाभि है। ओके, तो नाभि को सबसे मेन साइट बोला गया है पित्त की, और ये सारी जो है ये भी लोकेशन है आपके पित्त दोष की। ओके, तो ये था हमारा श्लोका प्लेस ऑफ पित्त दोष का। नाउ वी विल सी प्लेस ऑफ कफ दोष। अब हम देखेंगे कि कफ दोष का बॉडी में क्या प्लेस होता है, किन किन स्थान पे कफ दोष रिसाइड करता है हमारी बॉडी में। तो देखते हैं इसका श्लोका। उरह कंठ शिरह क्लोम पर्वाणी आमाशयो रसह मेदो घ्राणम च जीवा च कफस्य सुतरामरुह। ओके, तो ये श्लोका है हमारा। तो सबसे पहली साइट है उरह। तो उरह को बोला गया है चेस्ट। तो चेस्ट रीजन आपकी सबसे पहली मेन साइट होती है कफ दोष की। ओके, देन कंठ। कंठ का मतलब होता है थ्रॉट। तो थ्रॉट को आपकी सेकंड साइट बोला गया है कफ की, जैसा कि कॉमन कोल्ड, कफ और जो भी COPD, अस्थमा, ये सारी जो भी रेस्पिरेटरी डिसीज हैं ये कफ वृद्धि के कारण ही होती है। और इनकी लोकेशन क्या होती है, तो आपकी रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी लोकेशन है जो कि चेस्ट और थ्रोट। ओके, तो इन्हें इसलिए स्टार्टिंग में ये मेन साइट है, तो इन्हें सबसे पहले लिया गया है। ओके, तो उरह और कंठ मतलब चेस्ट और थ्रोट, ये मेन साइट है आपकी कफ की। उसके बाद शिरह। तो शिरह मतलब होता है हेड। तो हेड जो है वो भी आपकी कफ दोष की साइट है। देन क्लोम।
तो क्लोम को बोला गया है पेनक्रियास, ओके। तो पेनक्रियास को भी कफ दोष की साइड बोला गया है। देन परवाणी, तो परवाणी का मीन्स होता है बोन जॉइंट्स, ओके। तो परवाणी, परवाणी जो है आपका बोन जॉइंट्स, या फिर इसको पेल्विक जॉइंट भी बोलते हैं, ओके। कुछ बुक्स में पेल्विक जॉइंट करके भी दिया है, तो आप इसको बोन जॉइंट्स या पेल्विक जॉइंट रिफर कर सकते हैं, ओके। देन आमाशय, तो आमाशय इट मीन्स स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी आपके कफ की एक साइट है। जब भी हम फूड खाते हैं तो सबसे पहले जो है फ्रूट का फूड का मॉइस्चराइजेशन होता है, फूड का क्लेदन होता है, उसके बाद पित्त जो है उस पर एक्ट करता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो कफ दोष जो है आमाशय में भी रहता है, जिसे क्लेदक कफ होता है जो आमाशय में प्रेजेंट होता है, इसे हम आगे देखेंगे, टाइप चैप्टर देखेंगे कफ के। तो आमाशय भी एक साइट हो गई आपके कफ दोष की। देन रसह, तो रसह मतलब है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा भी आपके कफ दोष की साइट है। देन मेद, तो मेद मतलब होता है फेट और एडिपोस टिश्यू, तो मेद भी आपके कफ की साइट है। देन घ्राणम, तो घ्राण मतलब होता है नोज, तो नोज को भी कफ दोष की साइट बोला गया है। देन जीवा, तो जीवा मतलब टंग, तो टंग को भी बोला गया है कफ दोष की साइट, ओके। देन जीवा च कफस्य सुतरा मुरह, ओके। तो उरह सुतरा मुरह, तो यहाँ पे उरह मतलब है चेस्ट, जो कि अभी हमने सबसे पहले देखा था। तो चेस्ट को सबसे मेन साइट बोला गया है कफ की, ओके। तो कफ की सबसे मेन साइट है उरह मतलब चेस्ट। पित्त की हमने देखी थी अम्लिकस और नाभि, और वात की हमने देखी थी पक्वाशय और पक्वाधान, ओके। तो ये इन सब की मेन साइट आपको याद रखना है, और ये श्लोक को भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, ओके। तो ये देखा अभी हमने प्लेस ऑफ कफ दोष। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ दोषास, ओके। तो सारे दोषास के जो टाइप है, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है दोष भेदी अध्याय, तो अब दोष के भेद के बारे में देखेंगे, दोष के टाइप्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है वात के टाइप, ओके। तो पांच टाइप है वात के, ओके। तो वो पांच टाइप क्या है वो हम देखेंगे। तो प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु, ओके। तो प्राण और आदि, ओके, प्राणादि जो है इसके टाइप है। तो क्या है वो सारे टाइप, तो पांच टाइप है इसके, प्राणवाता, उदानवाता, व्यानवाता, समानवाता और अपानवाता, ओके। अगर आप, आपको इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, वासुपी, ओके। तो वी से आपका वात दोष हो गया और वासुपी से आपके सारे पांच टाइप हो जाएंगे। वी से आपका व्यानवाता, ए से आपका अपानवाता, एस से आपका समानवाता, ऊ से, यू से उदानवाता, और पी से हो जाएगा आपका प्राणवाता, ओके। तो इस ट्रिक के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं, ओके। तो ये सारे टाइप हो गए आपके वात दोष के। अब इन्हें देखते हैं आगे वन बाय वन डिटेल में। नाउ वी विल सी प्राणवाता। तो प्राणवाता सबसे पहले पहला टाइप है आपके वात दोष का। तो इसका श्लोका देखेंगे, तो इस श्लोका को हम ब्रेक करके देखेंगे तीन पार्ट में। तो पहला है प्राणो अत्र मूर्धगः, ओके। तो इस लाइन में प्राणवाता की लोकेशन बताई गई है कि प्राणवाता कहाँ पर लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में, ओके। तो प्राणो अत्र मूर्धगः, इसका मतलब है प्राण मतलब है प्राणवाता, और मूर्धगः मतलब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व रीजन में, मतलब ऊर्ध्व मतलब हेड रीजन में, ऊर्ध्व रीजन का मतलब है यहाँ पे हेड रीजन, ओके। तो हेड में आपका लोकेटेड होता है प्राणवाता, प्राण इज लोकेटेड इन द हेड। तो आपकी जो पहली लाइन है श्लोक की वो है लोकेशन, तो लोकेशन क्या है आपकी, मूर्ध्वगः, इट मीन्स प्राण इज लोकेटेड इन द हेड। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे इसका संचार क्षेत्र, कि कहाँ से कहाँ मूव करता है ये, ओके। इसका मूवमेंट कहाँ पे होता है बॉडी में, ओके। तो उस मूवमेंट करने के प्लेस को बोला गया है संचार क्षेत्र। तो संचार क्षेत्र है इसका उरह कंठ चरो, ओके। तो उरह मीन्स होता है चेस्ट, और कंठ मीन्स होता है आपका थ्रोट, और चर मीन्स होता है मूवमेंट,
तो इसका जो मूवमेंट है वो चेस्ट रीजन में और थ्रोट रीजन में होता है। तो ये हो गया इसका संचार क्षेत्र। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे हम इसके फंक्शन। ओके, तो प्राणवाता के फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहला है बुद्धि, और फिर हृदय, देन इंद्रिय, देन चित्त और धृक। ओके, तो सबसे पहला है बुद्धि। तो प्राणवाता जो है आपकी बुद्धि को रेगुलेट करता है। बुद्धि मतलब आप इंटेलिजेंसी कह सकते हैं, उसे आपका विल पावर भी बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या हुआ कि बुद्धि को रेगुलेट कर रहा है ये, मतलब आपके विल पावर को रेगुलेट कर रहा है। देन हृदय, तो हृदय मतलब हार्ट। तो सेकंड है आपके जो हार्ट के फंक्शन है उनको भी रेगुलेट करता है प्राणवाता। देन इंद्रिय, इंद्रिय मीन्स सेंस ऑर्गन। ओके, तो सेंस ऑर्गन के जो फंक्शन है उन्हें भी रेगुलेट कर रहा है आपका। देन चित्त, तो चित्त को बोला गया है इंटेलेक्ट। ओके, या फिर इसे इंटेलिजेंसी भी कह सकते हैं, तो चित्त को भी रेगुलेट करता है। देन दृक, तो दृक का मतलब है दृष्टि और विजन, तो विजन को भी रेगुलेट करता है ये, उसके फंक्शन को भी मेंटेन करता है विजन के, तो इसलिए कहा गया है दृक। तो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दृक। ओके, ये सारे हो गए फंक्शन। इसमें कुछ और भी फंक्शन है जो है, तो लास्ट लाइन में है ष्ठीवन। ओके, तो ष्ठीवन इसका मतलब होता है एक्सपेक्टोरेशन। तो एक्सपेक्टोरेशन का मतलब होता है कि जो भी जैसे म्यूकस और कफ जो है अगर हमारी बॉडी में अगर जमा हो जाता है चेस्ट रीजन में, तो उसे बाहर निकालना। ओके, तो उसे उसी को कहा गया है एक्सपेक्टोरेशन। ओके, जैसे हम कई बार खांसी आती है तो वेट कफ, जब गीली खांसी होती है जिसे वेट कफ बोलते हैं, तो उस केस में जब हम खांसते हैं तो जो कफ मटेरियल जो मुंह में बाहर आता है आपके थ्रोट और चेस्ट रीजन से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेशन। ओके, तो एक्सपेक्टोरेशन जो है ये भी आपके प्राणवाता का ही काम होता है। ओके, उसके बाद है छव। तो छव का मतलब होता है स्नीजिंग, मतलब छींकना। ओके, तो स्नीजिंग बोला गया है छींकने को, तो ये भी फंक्शन है आपके प्राणवाता का। उसके बाद है उद्गार, तो उद्गार का मतलब है बेल्चिंग, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि डकार आना। ओके, तो बेल्चिंग भी फंक्शन है आपके प्राणवाता का। देन निःश्वास, ओके, तो निःश्वास का मतलब होता है इंस्पायरेशन, मतलब सांस अंदर लेना। ओके, तो इंस्पायरेशन भी फंक्शन है आपके प्राणवाता का। देन अन्न प्रवेश कृत, तो अन्न प्रवेश कृत मतलब अन्न ग्रहण करना, मतलब फूड लेना, फूड इनटेक। ओके, मतलब स्वॉलोइंग ऑफ फूड भी बोल सकते हैं इसे, कि फूड का इनटेक। तो ये भी आपके प्राणवाता का ही काम है। अब मेन बात आपको ध्यान रखना है कि प्राणवाता जो है इसकी जो गति होती है वो अनुलोम गति होती है, मतलब नीचे की साइड। ओके, तो जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहे हैं वो सभी प्राणवाता के कारण होंगे। ओके, तो इसलिए बोला गया है इसको अनुलोम गति, कि प्राणवाता की जो गति है वो अनुलोम होती है। इसके जस्ट अपोजिट अभी हम नेक्स्ट देखेंगे उदानवाता, उसकी जो गति होती है वो प्रतिलोम गति होती है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये सारे हमने देखे, लोकेशन क्या है प्राणवाता की, उसका संचार क्षेत्र क्या है और उसके फंक्शन क्या है। ओके, नाउ वी विल सी उदानवाता। तो उदानवाता को भी हम तीन पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी लोकेशन, उसके बाद देखेंगे इसका संचार क्षेत्र, और फिर देखेंगे हम इसके फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे लोकेशन। तो लोकेशन है उदानवाता की उरह स्थानम उदानस्य। ओके, तो उदानस्य मतलब उदानवाता, स्थान मतलब लोकेशन, और उरह मतलब है आपका चेस्ट। ओके, तो चेस्ट इज द सीट ऑफ उदानवाता। तो इस लाइन में जो यहाँ तक आपकी लोकेशन को बताया गया है। ओके, तो उरह स्थानम उदानस्य मतलब उरह रीजन और चेस्ट रीजन जो है वो उदानवाता का स्थान होता है, और द चेस्ट इज द सीट ऑफ उदानवाता। देन सेकंड देखेंगे हम संचार क्षेत्र। तो संचार क्षेत्र क्या है? तो संचार क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो संचार क्षेत्र है इसका नासा नाभि गलाश्चरेत। ओके,
तो नासा मीन्स आपका नोज, नाभि मीन्स अम्लिकल्स और अम्लिकल रीजन, और गला मीन्स होता है थ्रोट. ओके, तो इट मूव्स इन द नोज, अम्लिकस एंड थ्रोट. ओके, तो इसका संचार क्षेत्र क्या हो गया, नासा, नाभि, गला, गलाश्चरेत, और चर मतलब होता है मूवमेंट. ओके, अभी पहले वाले श्लोका में भी हमने देखा था, तो नासा नाभि गलाश्चरेत, ये हो गया इसका संचार क्षेत्र और इसका मूवमेंट एरिया. ओके, नाउ वी विल सी फंक्शन. ओके, तो थर्ड पार्ट में दिया है फंक्शन, तो ये लास्ट लाइन में इसके फंक्शन दिए गए हैं. तो फंक्शन देखते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है वाक. तो वाक है आपका स्पीच. ओके, इनिशिएशन ऑफ स्पीच, जो भी हम बोलते हैं उसको जो इनिशिएट करने का जो फंक्शन है वो होता है उदान वाता का. ओके, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो उदान वाता की जो गति होती है वो प्रतिलोम गति होती है. तो जो ऊपर की साइड जो मूवमेंट हो रहे हैं हमारे, ओके, वो सारे उदान वाता के कारण हो रहे हैं. ओके, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहे हैं. ओके, तो बोलने के लिए हम जो है जब बोलते हैं तो हमारी जो सांस है वो बाहर आती है. ओके, जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए सबसे पहला फंक्शन बोला गया है वाक, मतलब इनिशिएशन ऑफ स्पीच. देन सेकंड है, पहला हो गया आपका वाक प्रवृत्ति, सेकंड है आपका प्रयत्न. तो प्रयत्न मतलब होता है एफर्ट. तो कोई भी काम करने के लिए जो भी आप प्रयत्न डालते हैं, उसके अंदर एफर्ट डालते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है आपके उदान वाता का. ओके, देन प्रयत्न ऊर्जा. तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. ओके, देन बल. तो बल का मतलब है स्ट्रेंथ. ओके, तो स्ट्रेंथ भी मिल रही है आपको उदान वाता से. ओके, देन वर्ण. वर्ण का मतलब होता है कलर और कॉम्प्लेक्सेशन. ओके, तो स्किन के कलर और कॉम्प्लेक्सेशन को भी ये मेंटेन रखता है. देन स्मृति. तो स्मृति का मतलब है मेमोरी. ओके, तो मेमोरी को भी मेंटेन रखना, मेमोरी के फंक्शन को भी रेगुलेट करना, ये भी फंक्शन होता है आपके उदान वाता का. और क्रिय. तो क्रिय मतलब होता है आपके फंक्शन. ओके, और एक्टिविटीज़. तो ये सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शन है आपके उदान वाता की, जो है वाक प्रवृत्ति, प्रयत्नोर्जा, बलवर्ण, स्मृति, क्रिय. ओके, तो ये सारे फंक्शन हो गए. तो उदान वाता, जैसे कि हमने बात की है कि इसका मेन, इसकी गति क्या है, तो इसकी गति होती है अपवर्ड. ओके, प्रतिलोम गति होती है. तो मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ये भी उदान वाता का काम है. वोमिटिंग आना, ये भी उदान वाता का काम है. ओके, तो जो भी मूवमेंट अपवर्ड हो रहे हैं बॉडी में, ओके, चेस्ट से लेके माउथ और नोज तक, वो सभी उदान वाता में आप लिख सकते हैं. ओके, तो ये था हमारा उदान वाता. नाउ वी विल सी थर्ड टाइप ऑफ वाता, दैट इज व्यान वाता. ओके, तो व्यान वाता को भी हम तीन पार्ट में देखेंगे. ओके, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे इसका मूवमेंट एरिया और संचार क्षेत्र, और लास्ट में देखेंगे इसके फंक्शन. ओके, तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं. तो लोकेशन है इसकी व्यानो रधि स्थित, मतलब व्यानो मीन्स व्यान वाता, और रधि स्थित मतलब हृदय स्थित. ओके, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो हार्ट होती है. ओके, तो व्यान इज लोकेटेड इन द हार्ट, और व्यानो रध स्थित. ओके, देन अब हम देखेंगे इसका संचार क्षेत्र और मूवमेंट एरिया. तो मूवमेंट एरिया है इसका कृत्सन देहचारी महाजव. ओके, तो देहचारी इसका मतलब होता है कि पूरी बॉडी में. ओके, देह मतलब होता है बॉडी में. ओके, तो व्यान वाता मूव्स ऑल ओवर द बॉडी विथ ग्रेट स्पीड. तो महाजव इसका मतलब जो इसकी स्पीड है बहुत ही तेज होती है, या तो हम बोलेंगे ये शीघ्र गति होती है इसकी. ओके, तो ये पूरी बॉडी में मूव करता है. ओके, तो इसकी पूरी बॉडी हो गई इसका संचार क्षेत्र. ओके, और लोकेशन हो गई हार्ट. अब हम देखेंगे इसके फंक्शन. ओके, तो लास्ट जो दो लाइन है इसमें पूरे फंक्शन दिए गए हैं इसके. तो जो श्लोका है हम इसको सिंपल करके पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो श्लोका है वो इस प्रकार से है कि गति,
अपक्षेपण उच्छेपण निमेश उन्मेष आदि का। ओके, तो जो इसकी गति है, ओके, मतलब जो इसका मूवमेंट है वो किस तरह से होता है बॉडी में, मतलब ये क्या क्या फंक्शन करता है ये, तो अपक्षेपण इसका मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, देन उच्छेपण, तो उच्छेपण का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। ओके, देन निमेश और उन्मेष, तो निमेश और उन्मेष का मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स। ओके, या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ओके, तो पलक झपकाना जो है हमारा, पलक जो पलक का झपकना और खोलना, तो उसे ही कहा गया है उन्मेष और निमेश। ओके, तो ये सारे फंक्शन होते रहते हैं हमारे व्यानवाता के। तो जो भी डाउनवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है और आदि कहा, इट मीन्स एट्सेट्रा, तो ये सारे जो फंक्शन हैं, ओके, तो ये सारी जो गतियां हैं हमारी बॉडी की, ये सभी को रेगुलेट व्यानवाता करता है। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं, गति अपक्षेपण उच्छेपण निमेश उन्मेष आदि का। ओके, तो अपक्षेपण इट मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट, उच्छेपण अपवर्ड मूवमेंट, निमेश एंड उन्मेष ब्लिंकिंग ऑफ आइज, और आदि कहा मीन्स एट्सेट्रा। तो ये सारे फंक्शन हो गए व्यानवाता के। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या दिया है, तो प्रायः सर्वाः क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीराणाम। ओके, तो इसका मतलब है जनरली ऑल द बॉडी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय वाता। ओके, प्रायः सर्व क्रिया, इट मीन्स जनरली ऑल द एक्टिविटीज, ओके, ऑफ बॉडी शरीराणाम, ओके, इज रेगुलेटेड बाय व्यानवाता। ओके, तो इसका लास्ट लाइन का मीनिंग ये होता है आपका, जनरली ऑल द बॉडी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय व्यानवाता। ओके, क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी में मूव करता है, तो जितने भी मूवमेंट है आपकी बॉडी के, जो भी लोकोमोशन एक्टिविटी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अपर लिम के जो भी रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये सभी व्यानवाता के कंट्रोल में आते हैं। ओके, तो ये था हमारा व्यानवाता। नाउ वी विल सी फोर्थ टाइप ऑफ वाता, दैट इज समानवाता। ओके, तो इसको भी हम तीन पार्ट में देखेंगे, सबसे पहले लोकेशन, फिर मोमेंट एरिया, और उसके बाद फंक्शन। ओके, तो लोकेशन क्या है इसका, तो लोकेशन है समानो अग्नि समीपस्थ। ओके, तो समानो मीन समानवाता और अग्नि समीपस्थ मतलब अग्नि के समीप, मतलब नियर बाय अग्नि और नियर बाय फायर। ओके, तो फायर आपकी कहाँ रहती है, डाइजेस्टिव फायर आपकी एलिमेंट्री ट्रैक में, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक में। ओके, तो ये आपका समानवाता की लोकेशन क्या होगी, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके, और जीआई ट्रैक। ओके, आप इसे स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है इसका मूवमेंट एरिया और संचार क्षेत्र। तो संचार क्षेत्र इसका क्या होता है, तो संचार क्षेत्र है कोष्ठे चरित सर्वतः। तो कोष्ठ मीन्स होता है आपका जो केविटी। ओके, तो केविटी आपकी कौन सी है, एब्डोमिनल केविटी की बात हो रही है यहाँ पे, और थोरेसिक केविटी। तो इसके अंदर जो कोष्ठांग, मतलब जो आपके एलिमेंट्री ट्रैक के जो पार्ट हैं, उनकी बात हो रही है। ओके, तो कोष्ठे चरित सर्वतः, तो जो आपका जो एलिमेंट्री ट्रैक है, मतलब कोष्ठ, चर मतलब है मूवमेंट, और सर्वतः मतलब ऑल ओवर। ओके, तो आपके कोष्ठ रीजन में, मतलब आपके एलिमेंट्री ट्रैक में, ये सभी दूर मूव करता है। ओके, तो इसका मूवमेंट एरिया क्या हो गया, एलिमेंट्री ट्रैक। ओके, देन उसके बाद देखेंगे हम इसके फंक्शन। तो फंक्शन है इसके, अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुच्यति। ओके, मुंचति। ओके, तो इसका पहला फंक्शन क्या है, अन्न ग्रहणाति, इसका मतलब फूड को रिसीव करना। ओके, तो फूड जो है हमने मुंह से खाया और उसके बाद स्टोमक तक आया। ओके, तो जो भी हमारा जो मूवमेंट है मुंह से लेके तो स्टोमक तक का, जो पेरिस्टलेसिस मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस से स्टोमक में आया, तो वो जो पूरा फंक्शन है वो आपके समानवाता का है, मतलब फूड को स्टोमक में रिसीव करना। ओके, उसके बाद है आपका एड इन द डाइजेशन, इसका मतलब पचती। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो पाचन है वो तो हमारे पित्त का काम है, लेकिन समानवाता यहाँ पे क्या कर रहा है, तो
समान वाता का क्या रोल होता है यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे ही फूड आपका स्टोमक में रिसीव हुआ तो सबसे पहला कफ का काम होता है, मतलब क्लेदक कफ का। क्लेदक कफ क्या करता है, आपके फूड को मॉइस्चराइजेशन देता है, ओके, उसको मॉइस्चराइज करता है फूड को। उसके बाद समान वाता इसको आप ब्रेक डाउन करता है, ओके। एक बार अगर फूड आपका मॉइस्चराइज हो गया तो समान वाता उसे ब्रेक करता है, ओके। तो जो ब्रेक करने में वो इजी हो जाता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है अगर वो मॉइस्चराइज है तो, ओके। तो समान वाता उसको ब्रेक करता है, उसके बाद जो पित्त है हमारा वो उसका डाइजेशन करता है और ट्रांसफॉर्म करता है उसको अपने आहार रस में, ओके। तो यहाँ पे ये रोल होता है समान वाता का कि डाइजेशन से पहले फूड का ब्रेक डाउन करना, तो ब्रेक डाउन करना जो काम है वो समान वाता का है, ओके। देन विवेचयति, ओके, इट मीन्स हेल्प्स इन द डिवाइडिंग द फूड इनटू यूजफुल पार्ट एंड वेस्ट पार्ट। तो जो अब आपका ट्रांसफॉर्म होने के बाद में जो पार्ट बना है वो दो पार्ट होंगे, एक तो यूजफुल पार्ट होगा जो बॉडी के लिए यूजफुल है जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और दूसरा रहेगा आपका किट पार्ट जो कि वेस्ट होगा जो हम एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी से, तो उसका सेपरेशन भी आपका समान वाता ही करता है, ओके। तो वायु का फंक्शन है विभाजन, तो यहाँ पे जो विभाजन का काम है वो समान वाता कर रहा है, ओके। तो जो फूड आपका जो ट्रांसफॉर्म हुआ है पित्त से उसको भी यूजफुल और वेस्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है हमारा समान वाता। देन मुंचति, तो मुंचति का मतलब है यहाँ पे कि मूव्स दिस पार्ट इनटू देयर नॉर्मल पाथ, ओके। तो अब जो आपका सार और किट्टा का विभाजन कर दिया, अब जो सार है उसको एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाना है और जो किट है उसको आगे पेरिस्टलिसिस होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज से फिर आगे जाना है, ओके। तो उसको आगे जो अपने करेक्ट पाथ में आगे बढ़ाने का जो काम है वो भी समान वाता का ही होता है, ओके। तो एब्जॉर्प्शन भी समान वाता का फंक्शन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टलिसिस के थ्रू किट को जो आगे बढ़ाने का जो काम है वो भी समान वाता का ही होता है, तो उसे ही बोला गया है मुंचति, ओके। तो ये अभी हमने देखा पूरा समान वाता की लोकेशन, उसके संचार क्षेत्र और उसके फंक्शन, ओके। नाउ वी विल सी अपान वाता, ओके। तो अपान वाता को भी हम तीन पार्ट में देखेंगे, लोकेशन, मोमेंट एरिया और संचार क्षेत्र और फंक्शन, ओके। तो सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, तो अपानो अपान गह, ओके। तो अपान वाता इज लोकेटेड इन द अपान रीजन और लार्ज इंटेस्टाइन और पेल्विक एरिया भी बोल सकते हैं आप हम इसे, ओके। तो जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे हमारा अपान वाता रहता है, ओके। तो इसकी लोकेशन हो गई पेल्विक रीजन, देन फिर हम देखेंगे इसका संचार क्षेत्र और मूवमेंट एरिया कि ये कहाँ पे मूवमेंट इसका होता है, ओके। तो मूवमेंट एरिया है इसका श्रोणी वस्थि मेड्रोरु गोचरह, ओके। तो श्रोणी का मतलब है पेल्विक रीजन अगेन, और वेस्ट बोला गया है मतलब जो कमर का जो पार्ट है वो, देन वस्ती, तो वस्ती मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो ये भी इसका मूवमेंट एरिया है, देन मेड्र, तो मेड्र होता है आपके जो जेनिटल्स है जो आपका पेनिस है उसे मेड्र बोला गया है, ओके। देन उरु, तो उरु का मतलब होता है थाई रीजन, ओके। थाई जो आपकी जो जांग होती है उस रीजन को बोला गया है उरु। और चरह, तो चरह मतलब होता है मूवमेंट, मतलब ये सभी जो है इसके मूवमेंट एरिया है, ओके। यहाँ पे जो है आपका अपान वाता मूव करता है, तो श्रोणी वस्ती मेड्र और उरु, ओके। मतलब पेल्विक रीजन, यूरिनरी ब्लेडर, जेनाइटल्स और आपका थाइस, तो ये हो गया इसका मूवमेंट एरिया। इसके बाद देखेंगे हम इसके फंक्शन, ओके। तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है जो जो पर्टिकुलर वाता की जो लोकेशन है वहीं पे वो फंक्शन भी परफॉर्म करेगा और वहीं पे मूव भी करेगा। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ओके। तो अभी इसके फंक्शन देखते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, शुक्र आर्तव शक्रत मूत्र और गर्भ निष्क्रमण क्रियः। तो क्रियः मतलब हो गया फंक्शन, तो फंक्शन क्या है इसके, सबसे पहला शुक्र, तो शुक्र मतलब है यहाँ पे इजेकुलेशन ऑफ सीमन, ओके।
सबसे पहला फंक्शन है इसका इजेकुलेशन ऑफ सीमन, देन आर्तव, तो आर्तव मतलब मेस्टुरेशन, ओके, जो फीमेल में जो मेस्टुरेशन होता है और मेन के अंदर जो सीमेन इजेकुलेशन होता है, ये दोनों ही काम जो है वो अपानवाता करता है। उसके बाद है शक्रत, तो शक्रत का मतलब होता है फीसेस, तो जो फीसेस का जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी से वो भी अपानवाता का होता है। देन मूत्र, मूत्र का मतलब होता है यूरिन और यूरिनेशन, तो यूरिन जो पास होती है हमारी बॉडी से, तो यूरिन का एक्सक्रीशन भी जो है आपके अपानवाता का ही फंक्शन होता है। देन गर्भ निष्क्रमण, तो गर्भ निष्क्रमण का मतलब होता है चाइल्ड की डिलीवरी होना और चाइल्ड बर्थ, ओके, तो चाइल्ड की जो डिलीवरी है वो भी आपका अपानवाता का ही काम होता है, ओके, तो ये सारे फंक्शन हैं अपानवाता के, ओके, और ये था हमारा अपानवाता, ओके।